अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि कॉलेज यूनिफॉर्म की कटिंग कैसे की जाती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्राउज़र की कटिंग सिखाते हैं कि ट्राउज़र की कटिंग किस तरह की जाती है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि कपड़े को बराबर करना है काट कर। ट्राउज़र की कटिंग में हम ट्राउज़र का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसको बैक वाले हिस्से से 3 इंच कम रखेंगे, कि उसकी विड्थ को 3 इंच कम रखेंगे। फ्रंट से आसन की पैमाइश 12 इंच है, बैक से आप आसन 3 इंच ज़्यादा रखें। साइडों से आप बैक और फ्रंट को बराबर कर देंगे। सिर्फ बैक से आसन 3 इंच लंबा होना चाहिए। अब आप गौर से देखेंगे 5 इंच से ऐसे कटिंग करनी है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर की तरफ मोड़ने के लिए आप 3 इंच की गुंजाइश रखिए। ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं शर्ट की कटिंग की तरफ। सबसे पहले तो हम आर्म होल के लिए 10 इंच का निशान लगाएंगे। आर्म होल आप 10 इंच नाप के उसकी कटिंग करेंगे। अब हम कंधे की कटिंग कर रहे हैं और तीरा 14 इंच रखेंगे। 14 इंच को हाफ कर लें तो 7 इंच बनता है, तो एक साइड से तीरा आपका 7 इंच का बनेगा। अब हम 3 इंच गले का निशान लगाएंगे। बैक से आपका कपड़ा 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए। फ्रंट से हम 3 इंच गहराई में कटिंग करेंगे।
फ्रंट से आप कंधे की कटिंग इसी तरह करिए। इस तरह ये होगा कि बगलों से आपका कपड़ा लटकेगा नहीं। अब हम शेरवानी कॉलर बना रहे हैं। हमने इसकी कटिंग कर दी है। मैं आपको किसी और वीडियो में आपसे इसकी कटिंग भी शेयर अलग से करूँगी कि किस तरह आप खुद ही शेरवानी कॉलर की कटिंग कर सकते हैं। अब ये वो पट्टी है जो कि हम गले में लगाएंगे। पट्टी को नाप के उसके दरमियान में से कटिंग कर लें। पट्टी की आइडियल लेंथ 7 से 8 इंच है, लेकिन आप इसे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब आप फिटिंग और चौक की कटिंग कीजिए। चौक की कटिंग आप इसी तरह करेंगे। चलिए जी, अब हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है और सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए हमारा यूनिफॉर्म किस तरह सिला है। सबसे पहले तो ये शर्ट देख लीजिए। ये देखें, हमने इस शर्ट के कफ वाले बाजू बनाए हैं। अल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये भी शेयर करूंगी कि कफ वाले बाजू किस तरह बनाए जाते हैं। अब हम ट्राउज़र की तरफ चलते हैं। ये देखिए ट्राउज़र किस तरह सिला हुआ है। Thank you.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं इस तरह की और वीडियोज़ मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी।